इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय एक धार्मिक आयोजन में पहुंचे और भाषण के दौरान आयोजक मनीष मामा के बारे में कह दिया कि मामा दबंग नेता रहे हैं। उन्होंने कई एसपी डीएसपी को चाटे मारे हैं। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति ली है। विजयवर्गीय छावनी में हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर उनके पीछे भाजपा नेता मनीष मामा भी खड़े थे। आकाश विजयवर्गीय ने इसी दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में मनीष मामा उन्हें हंसते हुए राज नहीं खोलने का आग्रह भी करते नजर आए हैं। ऐसा लगता है इंदौर 3 नंबर विधानसभा के विधायक आकाश विजयवर्गीय अब चीजों का मजा लेना सीख गए हैं। एक धार्मिक आयोजन में उन्होंने भाषण के दौरान आयोजक मनीष मामा के बारे में कह दिया कि मामा दबंग है और उन्होंने कई एसपी डीएसपी को चाटे मारे हैं। हालांकि इस दौरान मामा उन्हें हंसते हुए राज नहीं खोलने का आग्रह कर रहे थे। अभी तो उसके चाराने भी नहीं है जैसे पहले थे। किस किस को मारा है बताओ उनको जरा। अरे कई एसपी डीएसपी को चांटे भी मार चुके, इतने खतरनाक नेता थे। भाजपा विधायक के बयान पर कांग्रेस के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जिन लोगों पर माफिया अभियान के दौरान कार्रवाई के विरोध का जिक्र किया था उनमें उनके प्रतिनिधि मनीष मामा भी थे। तब उन्होंने कहा था कि मामा भाजपा से जुड़े हैं इसीलिए अफसर उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आकाश खुद स्वीकार रहे हैं कि मामा ने कई अफसरों को चाटे मारे हैं। आकाश ने जब निगम के अफसरों को बल्ले से पीटा था तब उन्होंने कहा था कि पहले निवेदन फिर आवेदन फिर दनादन, यही हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। यह बयान काफी चर्चित रहा था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।